हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि दिवाली का महत्व मतलब क्या होता है, दिवाली का मतलब क्या होता है, दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे इतिहास में लिखे हुए हैं कि राम जी जब आए थे अपने सीता को लेकर, तो उन्होंने क्या किया था। सारे लोग, उनके अयोध्या के लोग थे जितने भी, उन्होंने उनके खुशियाली में पटाखे चलाए थे, ये बारे मिठाइयाँ बांटी। तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों कि दिवाली आखिर क्यों मनाया जाता है। देखो, दिवाली है जो खुशियों का त्यौहार है दोस्तों। अगर हम पटाखे या पटाखे ना लें वगैरह, जैसे कि पटाखे बहुत सारे लोग बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पटाखे को, क्योंकि जो कि आग में पैसा झोंकना है एक तरह का। तो आप उसी को, पैसे को यूटिलाइज करके अगर कुछ गरीब लोगों को खाना खिला दो, कुछ लोगों के जरूरतमंद को अगर हेल्प कर दो, कुछ बच्चे को उसके कपड़े दिला दो, न्यू कपड़े दिला दो, कुछ बच्चे का पढ़ाई का खर्चा निकाल दो। बहुत सारे लोग इतने सारे खर्चे कर देते हैं दिवाली के दिन, पटाखे में, फालतू के सामानों लेने में, जैसे कि चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट लेने में। और मैं ये भी दोस्तों दोस्तों बोलता हूँ कि जो दिवाली मनाने की खुशी जो हमारे गांव की मिट्टी के दिए में है ना, वो विदेशी प्रोडक्ट में नहीं, जो भी कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट में नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने देश के प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो लोगों को खुशी होगी और उनके घर में भी अच्छी सी दिवाली मन जाएगी। तो दिवाली का त्यौहार मनाओ दोस्तों, लेकिन ज़रूर मनाओ, अच्छे से मनाओ, लेकिन लोगों को खुश करो। लोग गरीब घरों में जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, मिठाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी गरीब लोग हैं जिनको जरूरत है, उन लोगों को हेल्प करो, उनको जाके खुशियाँ बांटो। देखो, अंदर से बहुत ही अच्छा लगेगा। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है दोस्तों, और दुख बांटने से घटता है। अगर गरीब लोगों को आप हेल्प करोगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा दुआएँ देंगी। यहाँ पर कोई धर्म का यहाँ पर बात नहीं दोस्तों, सारे धर्म एक है हमारे। यहाँ बहुत सारे ऐसे सिटी है जहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। अब तो बिहार में, हमारे बिहार में छठ पूजा भी होने जा रही है। छठ पूजा का महत्व तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं यही बताऊँगा दोस्तों, दिवाली है जो बहुत ही खुशियों का त्यौहार है दोस्तों, और इस दिवाली बहुत ही लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है, अच्छे लोगों से सेलिब्रेट करना है, अच्छे से खुशियाँ मनाना है, खुशियाँ बांटना है। अपने बहुत सारी कंपनियां हैं जो बंद हुई है, लेकिन उनको भी बोनस की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट करके। उनके फैमिली भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पापा आ रहे हैं, हमारे भैया आ रहे हैं, हमारे हस्बैंड्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे हमारे बच्चे आ रहे हैं दिवाली में। बहुत से दिवाली में बच्चे लोग पटाखे खरीदते हैं, वो पटाखे कम खरीद कर या नहीं भी खरीद कर दोस्तों, अगर छोड़ना ही है तो आप कम से कम छोड़े, और उसी पैसे को यूटिलाइज करके किसी गरीब लोगों को खाना खिला दो, किसी गरीब लोगों को हेल्प कर दो, तो बहुत ही अच्छे लगेगा दोस्तों। दिल से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये जो दोस्तों लोगों का खुशियाँ बांटने का सेलिब्रेट है, आप एक दूसरे को गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी फैमिली को, रिलेटिव्स को, या फिर बच्चे या आसपास पड़ोसियों को, या गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को, बहुत खुशी मिलेगी, दिल से खुशी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि कौन कौन दिवाली में कौन कौन दिवाली में लोगों को हेल्प करने वाला है, और अच्छी से दिवाली सेलिब्रेट करो। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।